रखा दोस्तों। फिर मेरे साथ मेरे नीट 2021 के दो दांत से बेटे बेटियां, आप प्रियंका हैं, आप हमारे मित्र मोहन जी हैं, आप रोमू से हैं, आपका स्कोर 662 है, आप नवीन जाखड़ है, आप मंडावा से हैं, आपका स्कोर 659 है, आपके दादाजी आपके दादा हैं, भाई हैं आप मोहन जी, ये बिल्कुल समझ गए थे वो छोटी बच्ची और आप क्या लगते हैं मामा लगते हैं। तो ये हमारे परिवार के बच्चे हैं। मैं सबसे पहले माइक दूंगा मोहन जी को, ये मेरे बहुत से मित्र हैं। उदयपुर मोड़ पे आपका रेस्टोरेंट है, वहाँ एक शानदार फ्रक लिया जाएगा हमारी बेटी का, जब हम वहाँ विधायक रामलाल शर्मा से कहा, मेरे भाई से, मैंने कहा एक बड़ा फ्रक लिया हूँ आपके वहाँ, उनका बहुत अच्छी बात है भाई, आप एक बिल्कुल एक अच्छे सामान्य से परिवार को आप डॉक्टर दी है, बताऊंगा श्री मोहन जी, माइक मोहन जी बात रखिए, मोहन जी यादव आप हैं। जय श्री जी, मैं उदयपुर मोड़ से, और जिस दिन मैं 19 मई 2019 को आया था, जिस दिन मेरे सिर पे बॉस ने हाथ रखा था बड़े भाई के नाते, आज मैं उसी नाते से बॉस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे पास हर दम सिर पे हाथ रहे, वही मैं गुजारिश करता हूँ बॉस से। और आज मेरी बेटी को इस मुकाम पे पूछा है, ये बॉस की बदौलत मान के चलो, कुछ भी मान के चलो, लेकिन बॉस ने मेरे को काफ़ी कोऑपरेट किया है। मैं बॉस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बॉस ने मुझे इस काबिल बनाया, मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए बॉस ने बहुत काफ़ी मेहनत की, और आज इस बच्ची ने मेहनत करके मेरे को पहचान दिलाई, और बॉस ने मुझे पहचान दिलाई है, मैं बॉस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। और कोई विशेष बात सीएलसी की आपको? सीएलसी वो संस्था है जहाँ बच्चों को काफ़ी कोऑपरेट किया जाता है, और मैथ्स के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मैथ्स का मीनू ऐसे हर कोचिंगों में मैथ्स चलता है ना, तो मैथ्स कॉन्टैक्ट पे दिया जाता है, लेकिन बॉस से खुद स्वयं 7 दिन का मेनू बना के देते हैं। मैंने काफ़ी मैथ्स में खाना खाया है कभी भी आज तक, और मैं जब भी आता हूँ मेरे को कोई भी बोल देता है चलो सीएलसी में चलेंगे, मेरे को मैं उदयपुर मोड़ पे बैठ के 6:30 बजने का इंतजार करता हूँ कि कब लाइव चालू होगा, मैं बॉस का लाइव सुनूंगा। मैं 389 लाइव हो चुके, पूरे लाइव देखा हूँ मैंने आज तक, पूरे देखा आपने मेरे, और मैं जब भी देखता हूँ, अगर दिन में मेरा लाइव देखने का टाइम नहीं मिला तो रात को 12 बजे तक मैं लाइव देख के सोया हूँ, जिस दिन भी लाइव नहीं देखा मेरे को चैन नहीं मिलता है। और थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्यार है भाइयों का जिससे हम वर्क कर पा रहे हैं, और मैं जब भी बॉस से बात किए ना, मैं मेरी 365 दिन में 365 दिन बॉस से बात होती रहती है, चाहे वो इंटरनेट के द्वारा हो चाहे वैसे बात हो, लेकिन 365 दिन में 365 दिन मेरी बॉस से बात होती रहती है। और मैं छोटे बच्चे को भी यहाँ छोड़ दिया, और मैं उस बच्चे के साथ उसके जो क्लासमेट थे, 2 क्लासमेट भी उसके पीछे पीछे आ चुके हैं, वो उन्होंने भी एडमिशन ले लिया यहाँ सीएलसी में। और मैं बॉस को यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को आज इस प्लेटफॉर्म पे प्रियंका ने बिठाया है, इसके साथ साथ दोबारा से मेरे को 2023 में फिर से बिठाया जाए, मैं बॉस से यही गुजारिश करता हूँ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ जगह साहब कहना चाहोगे? हाँ बिल्कुल बोलो जगह साहब। आदरणीय सरवण जी, इनका परिवार एवं समस्त सीएलसी में जो टीचर्स हैं उनका मैं अभिवादन करता हूँ, और आप लोग जो बैठे हैं उनको भी मेरे स्वागत प्रणाम, बच्चों को प्यार। मैं सीएलसी में 2017 के अंदर 2 पोती और 2 पोता लेकर आया, बड़े वाली पोती 3 साल सीएलसी में रही परंतु उसका नंबर नहीं आया। उसके पिछले साल जो 580 रैंक आई थी उस टाइम 582 नंबर बने थे, तो उसको मैंने आयुर्वेद दिया था, अभी वो 2 साल से नांदेड़ महाराष्ट्र में आयुर्वेद कर रहे हैं। ये मेरा बड़े बच्चे का है लड़का, जो कि अभी इसके 5,659 नंबर आए। मैं देवकर्ण जाखड़ रणजीतपुरा मंडावा विधान क्षेत्र जिला। थैंक यू साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जाखड़ साहब। आप जाखड़ आपको क्या बोलना चाहते हैं बेटा? आप हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन जाखड़ है, मेरा पिछले साल स्कोर था 592 और इस बार 659 है। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरी दीदी को देना चाहूँ, उन्होंने मोटिवेट किया। थैंक यू। प्रियंका बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? जय सीएलसी, मैं प्रियंका यादव उदयपुर मोड़ जयपुर से हूँ। मैं यहाँ 19 मई 2019 को आई थी, जब मैं फर्स्ट 12th बाद आई थी तो अच्छा चल रहा था स्कोर, लेकिन फिर 2020 में लॉकडाउन लग गया, मैं घर पर चली गई थी, तो उस वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, और मैं लास्ट ईयर रह गई, मेरे 549 मार्क्स थे लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में रह गई। फिर बॉस ने कहा कोई बात नहीं, मतलब सीएलसी की यही खासियत है कि जब बच्चा सिलेक्ट नहीं होता फिर भी खुश होता है कि ठीक
ठीक है, अगले साल इससे भी अच्छा करेंगे। शायद ईश्वर की यही इच्छा थी कि हमें और इससे भी ज़्यादा मिले। फिर बॉस ने कहा कि नहीं, तू यहाँ सीएलसी आ जा, यहाँ सीएलसी में इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, इस बार शुरुआत अनुभव से होगी। फिर मैं यहाँ सीएलसी आ गई, फिर यहाँ मेरा एडमिशन करवा दिया गया और मैं नवंबर में दिवाली बाद में सीएलसी आई थी। मेरी अच्छा चल रहा था, यहाँ 650 के अंदर ही नंबर आते थे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ते थे। फिर बाद में लोग यहाँ कोविड आ गया और लॉकडाउन लग गया। फिर मैं ऐसा था कि घर पर चली जाऊँगी, लेकिन फिर पापा ने बॉस से कहा कि बच्ची घर आने की जिद कर रही है, तो बॉस ने मना कर दिया कि नहीं, इसे घर नहीं मतलब नहीं देना, इससे इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, इतनी साल की मेहनत ऐसे ही चली जाएगी। फिर मैं थोड़ा दुखी भी हुई कि बॉस ने मना कर दिया, अब घर नहीं जा पाऊँगी। फिर फट रही थी, लेकिन थोड़े मार्क्स कम हो रहे थे। फिर पापा ने कहा कि तू बॉस से मिल ले, क्या प्रॉब्लम है बॉस को बता। फिर एक दिन मैं बॉस के पास आई, मैंने बॉस से कहा कि मोबाइल से इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं इतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तो बॉस ने कहा कि बॉस ने खुद लैपटॉप खुद मुझे कंप्यूटर दिलाया, और मैं यहाँ हॉस्टल में नहीं रह पा रही थी, कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर थी तो रूम पर रहती थी, तो बॉस ने रूम पर कंप्यूटर लगवाया, उसके लिए बॉस को बहुत बहुत थैंक्स। और फिर बॉस ने कहा कि अगर तुझे और कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। तो मैंने कहा कि अब कोविड इस लॉकडाउन में मास्क नहीं आ रहे, तो बॉस ने कहा ऐसे क्या बात करती है, डॉक्टर बनने जा रही है, अच्छे से बात कर, तेरे मास्क आ जाएंगे। फिर बॉस का आशीर्वाद मानो या ईश्वर की कृपा, मेरा उससे मार्क्स बढ़ने लगे। और फिर सीएलसी के डीसीएम दंगल और फिजिक्स को इन सबको दिया, और फिर मेरे भगवान की कृपा रही और नीट में भी अच्छा स्कोर रहा, 662 के साथ ऑल इंडिया 352 रैंक। थैंक यू पुकार, थैंक यू। तो ये हमारे दो और भावी डॉक्टर अंडर 3000 रैंक। थैंक यू, नमस्कार।